अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं और इस शुभ अवसर पर उत्तराखंड भवन राज्य अतिथि गृह एवं एम्पोरियम वासी नई मुंबई का लोकार्पण 16 यहाँ पे हुआ। नई मुंबई ये जैसा बताया गया कि मिनी भारत है, ये बात सच है कि इस शहर में रहने वाला हर इंसान निर्भयता से यहाँ पे अपना जीवन बिता रहा है। न किसको कभी किसी चीज का डर लग रहा है, एक दूसरे के सम्मान करते हुए आगे आगे बढ़ने की सीख इस शहर के जो मानवो थे, साधु संत थे, उन्होंने सबको दिए। और उस कड़ी में इस इलाके में वासी रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे देशों के एम्बेसी है, उसी ढंग का अपने देश के हर राज्य के लोगों को अपने संस्कृति का प्रदर्शन करने, अपने राज्य से आए हुए लोगों का जहाँ पे कोई अड़चन हो होटल मोटल में, तो यहाँ पे सारा लेने के लिए उनके लिए बंदोबस्त किया। मैं बहुत खुश हूं कि माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी साहब के मौजूदगी में इस भवन का लोकार्पण 16 हो रहा है। कोश्यारी साहब, मैं अलीवर जंग साहब के कालखंड से बहुत सारे गवर्नर साहब लोगों को मैंने देखा है, उनको सुना है, उनके जीवन की धारा देखी है। 90 से मैं एमएलए था, 3 बार मंत्री बना, लेकिन आज तक आपके जैसा जीवन में मन को आनंद देते हुए और जीवन की असलियत को आगे आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया हुआ किसी गवर्नर को मैंने आज तक नहीं देखा। कोश्यारी साहब की और देखो तो कभी हमेशा वो हंसते रहते हैं, इज ऑलवेज टेंशनलेस, कभी उनपे चेहरे पे या उनके यानी कोई बिहेवियर में कोई टेंशन आया जैसा कौन से भी स्थिति में, रात हो या दिन हो, यानी मामला सक्सेस का हो, मामला डिफीट का हो, मामला खुशी का हो, मामला नाखुशी का हो, कोश्यारी साहब के चेहरे की हंसी कभी जाती नहीं और जाने वाली भी नहीं। अभी बात ऐसी है कि अभी कौथिक का कार्यक्रम अभी 24 तारीख को हो रहा है, लगातार मैं समझता हूं कि 85 से हिंदुस्तान के सभी लोगों से मेरा प्यार भरा एक रिश्ता है, लेकिन कौथिक तो अभी 15-20 साल से बड़ी पैमाने पे साजरा हो रहा है, लेकिन उसके पहले भी झोपड़ी इलाके में, गांव इलाके में, शहरी इलाके में इस त्योहार को मनाया जाता था। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रावत साहब के नेतृत्व में उत्तराखंड की जो प्रगति हो रही है, और जैसे इस उत्तराखंड भवन का लोकार्पण, ये भी प्रगति का एक निशान है। और यहाँ आके उत्तराखंड के लोग जो आएंगे उनको अपनेपन की भावना मिलेगी। जैसे यहाँ बताया गया कि नई मुंबई की जनता, नई मुंबई की लोकल लोग तो इसे उत्तराखंड के अपने भूमि को देव भूमि कहते हैं, तो उस इलाके में इस इलाके के लोग भी साधु संतों के विचारधारा के साथ इंसानियत की भावना से सबको अपने में समाने की भावना रखते हैं। आगे चल के उत्तराखंड के यहाँ रहने वाले लोगों की सेवा और उनकी जो कुछ भी अड़चन को दूर करेंगे, लेकिन जब भी कभी रात में भी कभी प्रॉब्लम आ गया तो हमें जरूर कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपके साथ में रहेंगे, ये वादा करता हूँ। नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र और जय उत्तराखंड। नमस्ते।